मुंबई का अड़ुशक्ति नगर विधानसभा इस समय सुर्खियों पे, और हमारे साथ यहाँ के कर्मठ नेता आमदार श्री तुकाराम काते जी हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। उनके नेतृत्व में पांजरा पुल शिवाजी सर्कल का एक काम हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। यहाँ पे जो सौंदर्यीकरण हो रहा है वो शिवाजी महाराज जी का किला बनने जा रहा है, और किला बहुत जल्द बनकर लोगों को समर्पित किया जाएगा। जो इस चेंबूर के आने जाने वाले लोग हैं वो इस किला को देख सकेंगे और शिवाजी महाराज जी का दर्शन कर सकेंगे। शिवाजी महाराज जी का एक किला मुंबई में एक ऐसा किला है जो पहली बार ऐसा मुंबई में किला देखा जाएगा। जिस तरह ये किला बनाया जा रहा है काफ़ी प्रशंसा लायक है, लोग इसे काफ़ी पसंद भी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं तुकाराम काते जी से, आइए उनसे जानते हैं ये किला बनाने के लिए उनका क्या मकसद है, क्यों बना रहे हैं और लोगों को इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, CNU चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो एक किला बना रहे हैं, ये किला क्यों बना रहे हैं और लोगों को इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला बनाया है वो हमारे चेंबूर के नेता शरद भाऊ आचार्य इन्होंने बनाया था। उसका उद्घाटन माननीय बाला साहब ठाकरे ने किया था, और ये जो पूरा शिवाजी महाराज का जो स्टैचू बनाया है वो पूरा बाला साहब के नज़र से बनाया है। महाराज ऐसे दिख रहे हैं कि महाराज लड़ाई पे जा रहे हैं, ऐसा सीन, उनके हाथ में तलवार है, घोड़ा पकड़ के खींच रहे हैं और ऐसा एकदम फास्ट लड़ाई पे जा रहे हैं, ऐसा उसका सीन था। उद्घाटन के टाइम में माननीय बाला साहब के हाथ से उद्घाटन हुआ, शरद भाऊ थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा बाला साहब ने खड़ा किया था कि ये जो शिवाजी महाराज है वो लड़ाई पे जा रहे हैं तो लड़ाई पे अकेले नहीं जा सकते, तो उसके साथ में सेना चाहिए। तो वही टाइम उद्घाटन में माननीय हमारे महापौर थे शरद भाऊ आचार्य, उनको बताया बाला साहब ने कि ये जो लड़ाई पे जाने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज दिख रहे हैं लेकिन आजू बाजू पे सैनिक नहीं है, तो सैनिक बनाना जरूरी है। वो टाइम शरद भाऊ ने बताया था कि साहब मैं ये जल्दी से जल्दी बनाऊंगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि शरद भाऊ आचार्य हमारे से जल्दी निकल गए, और शरद भाऊ का जो सपना है वो सपना मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि शरद भाऊ का जो सपना है वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो बेड बनाया है शरद भाऊ ने वो मुंबई का एंट्री है, जो मुंबई में आते हैं वो शिवाजी महाराज को सलाम करके सर झुका के आगे निकल जाते हैं। हर आदमी मुंबई में आता है वो शिवाजी महाराज को नमन करके निकल जाते हैं, ऐसा ये स्पॉट है। अभी ऐसा बना है कि शिवाजी महाराज का सैनिक में जो लवाजमा रहता है वो सब उसमें शेर है, हत्ती है, उसमें घोड़ा है, उसमें सैनिक है, उसमें तोप है, उनका झंडा है, उनका तुतारी है, उनका जो जाता है तो सैनिक को जागरूक करने के लिए उनको डमरी बजाना जाता है, जो ऐसा दो हाथ से ढोल बजाता है वो है, भाले है, सब कुछ जो लड़ाई में जाता है जो साहित्य लगता है वो पूरा ये इसमें बनाया है। और अभी ऐसा लगेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ाई में जा रहे ऐसा सीन है वो अभी खड़ा हो जाएगा। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं चुन के आने के बाद ये काम चालू किया। हालांकि 88 में शरद भाऊ ने इसका उद्घाटन किया था, जब इसे कोई नेता ने इधर काम नहीं किया था। हालांकि ये शिवाजी महाराज का जो स्टैचू के बाजू में चूहे लग गए थे, घुस लग गई थी, बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन कोई इसके पास देख रहा नहीं था। बहुत बड़े बड़े नेते हैं चेंबूर में तो भी कोई देखा नहीं, लेकिन मैं ये सब देख रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं ऐसा ही था, लेकिन आमदार चुन के आने के बाद मेरे पास फंड आया, आमदार का निधि आया, और माननीय हमारे पालक मंत्री है उन्होंने, हमारे विनोद तावड़े जी ने, उनको जिले नियोजन से जो पैसा मिलता है वो पैसा दे दिया, ऐसा मेरा फंड और वो पैसा मिला के कम से कम 2 करोड़ रुपए का हम लोग खर्चा अभी तक किया है उसको, और भी खर्चा होने वाला है। क्योंकि ऐसा बना रहे कि मुंबई में ऐसा पॉइंट कहाँ पर भी नहीं है, ऐसा ही हम लोग के गार्डन बना रहे। और आपको कहना चाहता हूँ कि आपको सबको अभिमान रहेगा कि मुंबई का एंट्री का इतना अच्छा गार्डन हम लोग बना रहे हैं, कि इतना बड़ा मुंबई पैसे वाले का मुंबई है, बहुत सारे पैसे वाले, लेकिन ऐसा गार्डन कोई बनाया नहीं, लेकिन हमारे पास पैसा कमी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है,
इसके लिए ये अच्छा गार्डन हम लोगों ने बनाया है। सर अगर देखा जाए तो आप जो आचार्य भाऊ जी का जो सपना पूरा कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना पूरा कर रहे हैं और जिस तरह सर्कल बनाया जा रहा है, अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज जिस तरह घोड़े पे विराजमान है और लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं और उनकी पूरी सेना इस गार्डन में मौजूद होगी कि शिवाजी महाराज लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? ये जो गार्डन का काम जब आपने शुरुआत की दोबारा सपना पूरा करने के लिए, तो कितने महीने इसमें लगे हैं आपको और कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं काम करने के लिए? इधर से नगर का जो जिला है उधर से ये कामगार आए हैं, कम से कम 100 कामगार है जो पत्थर का काम करते हैं, पत्थर घड़ाई काम करते हैं और पाटा बनाता है, बुरुज बनाता है, बहुत सारे जो ये है उसके लिए कम से कम 1.5 बरस लग गया है, अभी तैयार हुआ है और जल्द से जल्द ये उद्घाटन के लिए हो जाएगा और जल्द से जल्द हम पब्लिक को ये दे देंगे, पब्लिक को बैठने के लिए घूमने के लिए ये गार्डन बन जाएगा, बच्चे लोग देखने को आएंगे। इसके बाजू का पीछे का जो गोल गार्डन है उसमें महाराष्ट्र का 7 किले हम लोग बनाए हैं, हमारे मुंबई के जो बच्चे लोग हैं उनको शिवाजी महाराज का हिस्ट्री ज़्यादा से मालूम नहीं है, जो शिवाजी महाराज ने हिस्ट्री बनाया है वो हिस्ट्री छोटा सा हम लोग इधर लाए हैं, जो किले शिवाजी महाराज का है वो किले 7 किले इधर हम लोग बनाए हैं, वो किले देखेंगे, जो पानी में किला है वो पानी में है, प्रतापगढ़ है, सिंहगढ़ है, सब किले जो है वो उधर लाया है और एक सबसे बड़ी बात है कि उधर हम लोग महाराष्ट्र का पूरा अखंड महाराष्ट्र करके नकाशा निकाल रहा हूँ जो लोखंड में है और वो 3D में है, जो अभी नया 3D है, कहाँ से भी देखो आपको महाराष्ट्र का नकाशा उसमें दिखेगा, ऐसा 3D में हम लोग एक नकाशा बना रहे हैं। तो उधर तो मेट्रो आ रही है, फ्रीवे गया है, शिवाजी महाराज वो फ्रीवे के वजह से दिखता नहीं था, लेकिन पीछे भी हम लोग ने एक अच्छा किला बनाया, बहुत बड़ा किला बनाया, उसमें से शिवाजी महाराज अभी अच्छे दिख रहे हैं, पब्लिक को दिख रहे हैं और जल्द से जल्द उसको उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुंबई का ये चेंबूर अड़ुशक्ति नगर विधानसभा और पांजरा पुल सर्कल अब सुर्खियों में होगा क्योंकि यहाँ पे एक शिवाजी महाराज जी की सेना होगी और इस गार्डन में काफ़ी हरा भरा होगा और लोग यहाँ पे आके शिवाजी महाराज के दर्शन कर सकेंगे, शिवाजी महाराज की जो यादें हैं वो लोगों को वापस देखने को मिलेगा। मुंबई का ये चेंबूर अड़ुशक्ति नगर विधानसभा अगर देखा जाए तो जिस तरह यहाँ पे शिवाजी महाराज जी की यादों को ताज़ा की जा रही है और शिवाजी महाराज जी के जिस तरह किले थे, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह यहाँ पे किले का काम चल रहा है और शिवाजी महाराज के जितने भी महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पे भी किले थे वो किले यहाँ पे दर्शाए गए हैं ताकि स्कूल के बच्चे जो दूर जाके शिवाजी महाराज जी का किला नहीं देख सकते वो यहाँ पे आके किला देख सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसे कि तुकाराम काते जो यहाँ के MLA हैं उनके प्रयत्न से, उनके विचार से उन्होंने एक सपना पूरा किया है बाला साहब ठाकरे जी का, शरद आचार्य जी का, कहीं ना कहीं ये किला लोगों को यहाँ चेंबूर के मुंबई के लोगों को काफ़ी अच्छा दिखेगा। मुंबई चेंबूर अड़ुशक्ति नगर विधानसभा का ये शिवाजी सर्कल काफ़ी प्रशंसा के लायक है और यहाँ पे जो शिवाजी महाराज जी के किला बन रहा है वो काफ़ी देखने लायक है। ये चेंबूर मुंबई में ये नया ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो शिवाजी महाराज जी का किला बन रहा है और एक किले में शिवाजी महाराज जी तो विराजमान है ही, प्लस उनके साथ उनकी पूरी सेना होगी और लोग काफ़ी यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, इस गार्डन में आके विजिट कर सकते हैं और शिवाजी महाराज जी के जो पुरानी यादें हैं उसे देख सकते हैं। और ये जो काम हो रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो किला बनाया जा रहा है, तुकाराम काते MLA हैं और अड़ुशक्ति नगर विधानसभा के, उनके प्रयत्न से, उनके मार्गदर्शन से ये किला बनाया जा रहा है। देखते हैं अब ये किला कितने जल्दी जनता को समर्पित किया जाएगा ताकि लोग यहाँ पे विजिट कर सकें, शिवाजी महाराज जी के किले को देख सकें और इस किले में क्या खूबियाँ हैं, किस तरह बनाई गई है उसे देख सकें। आइए हमारे साथ शिवसेना पार्टी के कैसे नेता हैं दीपक महेश्वरी जी, आइए उनसे जानते हैं इस शिवाजी महाराज जी का जो किला बन रहा है इस किले से लोगों को क्या फ़ायदा होगा और तुकाराम काते जी के प्रयत्न से जो किला बन रहा है ये कितने दिनों में तैयार होगा। दीपक जी क्या कहेंगे, जो एक किला बनाया जा रहा है तुकाराम काते जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे कितने दिनों में किला तैयार हो जाएगा और क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो किला बना रहे हैं ये हमारे बाला साहब ठाकरे का एक सपना था, ठाकरे साहब का एक सपना था और जिसको हमारे तुकाराम काते साहब जो हमारे आमदार है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जुटे हुए रात दिन, उनका संघर्ष यही है कि इसको कैसे भी उसको पूरा करना है और 15 तारीख को इसका उद्घाटन करना है इस महीने में। तो अभी सबके मकसद में एक ही रहा है ये कि इसी कार्यक्रम को पूरा करके आगे बढ़ना है। ये चेंबूर का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और बॉम्बे का एक एंट्रेंस गेट बन जाएगा और आगे जाके ये एक
नामचीन स्पॉट बन जाएगा लोगों के आने के लिए और जाने के लिए। ये किला जल्द ही जनता के बीच में होगा और लोग इस पे विजिट कर सकेंगे, शिवाजी महाराज जी के दर्शन कर सकेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुकाराम काते जी एक ऐसे कर्मठ नेता हैं और शिवसेना पार्टी के ऐसे MLA हैं जो काफ़ी चर्चा में रह चुके हैं, और तुकाराम काते जी हरदम काम पर ध्यान देते हैं। तुकाराम काते जी ऐसे हैं जो पहाड़ों पर चढ़कर गली गली जाकर लोगों को, विधवा महिलाओं को अन्न बांटने का काम करते हैं। तुकाराम काते MLA ऐसे हैं जो लोगों की जो समस्या है उसे सॉल्व करने में लगे रहते हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ राज पांडे, CN News, मुंबई।